तो क्वेश्चन 22 देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का रूट टू और कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म है 30, मतलब ए का टर्म अपन को यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर कहता है वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इसको सिल्वर कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आ गया है सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म में से। फिर मोनोक्रोम है मतलब लैम्डा होगा एक, प्रिज्म पे एंटर कराते हैं और दूसरे वाले फेस पे स्ट्राइक करके वो दोबारा लौट जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन करके सिल्वरिंग से। आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। समझते हैं पहले इसको अपन। लेट्स से एक प्रिज्म है, इसके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 30 डिग्री। एक तरफ मैं इसको अगर पॉलिश कर देता हूँ तो इस तरफ से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन देना शुरू करेगा। किसी एक एंगल पे इसको इस तरह मारोगे ना बच्चों, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल से मिल रहा अपन को आई, तो थोड़ा बेंड करेगा ये अंदर और ऐसे जाएगा कि वहीं से इसको लौटा दिया जाएगा। लौटने का मतलब है ये चीज है ना 90 बन जाएगी। रे डायग्राम सॉल्व कर लेते हैं, 90 30 दैट मींस ये कितना होना चाहिए 60, अल्टीमेटली ये कितना होगा 30। जब थ्योरी पढ़ते हैं ना अपन तो याद कर लेते हैं कि सिल्वरिंग वाले कॉन्सेप्ट में जो ऊपर एंगल होता है ना वही एग्जैक्टली यहाँ पर भी आता है ना, शॉर्ट में लिख सकते हो उसको। और ये आई ये अननोन है, यहाँ पे N1 का टर्म एयर मान लेते हैं और N2 का टर्म रूट टू लिख लेते हैं और एक ही लाइन में अपना आंसर मिल जाएगा क्योंकि स्नेल्स लॉ पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, लिखते हैं अपन साइन ऑफ पहला एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ दूसरा एंगल इज इक्वल्स टू जहां पे आप बैठे हो और जहां से लाइट को रेफरेंस ले रहे हो। तो ये आ गया अपना आंसर साइन ऑफ आई, और साइन आर मतलब ये हो रहा है 30 डिग्री है ना, आर की वैल्यू होगी ये, तो साइन 30 हो जाएगा 1/2, N2 का टर्म है रूट टू और ये हो जाएगा 1, तो साइन आई हो रहा है अपने पास रूट टू डिवाइड बाय 2, और कोई भी कह सकता है कि ये टर्म आएगी वो 45 डिग्री होगी और ऑप्शन नंबर 3 हमारा मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन सबको आ जाती है और मैं इसका शॉर्ट बता देता हूँ, जो भी ऊपर एंगल होता है ना बच्चों वही यहाँ पे आता है क्योंकि ये 90 फंस जाता है यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।